वेलकम। आइए आज डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशंस। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का अपोजिट होता है, इसलिए इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव बोला करते हैं। तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहां देखिए लैंग्वेज के टर्म में हमने क्या लिखा। लेट एफ एक्स बी द फंक्शन देन द फैमिली ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव, परमिटिव बोल रहे हैं, इज कॉल्ड द इनडेफिनेट इंटीग्रल। इस इंटीग्रेशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक तो इनडेफिनेट और दूसरा डेफिनेट इंटीग्रल। तो प्रेजेंटली हम आपके साथ इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल जिसको आप इंटीग्रेशन, ये देखिए ये सिंबल आपके पास है, इस तरह का सिंबल जब आप लगाते हैं तो दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। यानी अगर आपके पास यहां पर एफ एक्स है तो डी एक्स लिखना है। मान लीजिए ये एफ टी है, फंक्शन टी की टर्म में है, तो दैट विल बी डी टी। ठीक है, और कहते हैं द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन इंडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ए गिवन फंक्शन इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, इस तरह के इस सिंबल को हम क्या कर रीड कर रहे हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर हो जाएगा इंडेफिनेट इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू टी। अब अगर हम देखें यहां पर कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव किसी एक फंक्शन फाइव एक्स प्लस सम कांस्टेंट, उसका इंटीग्रेशन मेरे पास डेरिवेटिव मेरे पास एफ एक्स के इक्वल है, तो आप बोलेंगे कि इधर वाले पार्ट का इंटीग्रेशन ये होगा। यानी इस पार्ट का डेरिवेटिव ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये, इसीलिए हमने इसको एंटी डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव का अपोजिट भी बोला है जी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, कुछ एलिमेंट्री स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्स की पावर एन डेरिवेटिव में देखिए आपने क्या सीखा था। डेरिवेटिव में आपने सीखा था कि डी बाई डी एक्स अगर आप एक्स की पावर एन का करेंगे तो आपके पास आएगा एन को आगे ले आएंगे और एक्स की पावर एक कम कर देंगे, ये रूल था जी। अब इंटीग्रेशन का रूल क्या है जी? उसका रूल है कि एक्स की पावर एक बढ़ाएंगे और उतना ही अपॉन में भी लिख देंगे जी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, जैसे अब यही सेम इंटीग्रेशन मैं इसके लिए करके दिखाऊं, तो एन मेरे पास आउटसाइड है, इसका इंटीग्रेशन मैं करूंगा तो मेरे पास आएगा एक पावर बढ़ाइए यानी एन और अपॉन में एन। लो जी कैंसिल हो गया, यही इसका अपोजिट यहाँ आ गया जी। तो यहां पर भी आपने यही देखा कि x की पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, लेकिन ये n का वैल्यू माइनस 1 नहीं होना चाहिए जी। ठीक है, क्योंकि अगर ये n का वैल्यू माइनस 1 आपके पास हो जाएगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जी, ये आपके पास 1 अपॉन x बन जाएगा, ये इस टाइप से। और ये 1 अपॉन x बन गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ जी, log ऑफ x हो गया। तो इस रूल के लिए n का वैल्यू माइनस 1 नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर n का वैल्यू माइनस 1 है तो ये 1 अपॉन x कहलाएगा और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log ऑफ x। a टू द पावर x dx इंटीग्रेशन a टू द पावर x अपॉन में log ऑफ a। डेरिवेटिव अगर आप देखें तो डेरिवेटिव a टू द पावर x का आपको याद होगा वो होता था a टू द पावर x इंटू log ऑफ a, और वही log ऑफ a यहां पर अपॉन में आता है। और साथ ही साथ एक बात और भी हम देख रहे हैं यहां पर कि जब भी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो साथ में एक कांस्टेंट सी भी आपको ऐड करना होता है, विच इज कॉल्ड
the constant of integration. C को हम बोलते हैं that is the constant of integration. ठीक है, राइट. और इसमें a के बारे में क्या बोला कि a एक पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए और a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, करेक्ट. अब क्योंकि a का वैल्यू अगर 1 होगा तो log 1 0 हो जाता है और वो नॉट डिफाइन की सिचुएशन मेरे पास आ जाएगी. ऐसे e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस c, ट्रिग्नोमेट्री पर आइए, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता था इसलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x था, अपोजिट हो गए. इसी तरीके से cotx का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x होता था इसलिए cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता था sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x plus c, ऐसे ही cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cotx होता था मेरे पास, लेकिन यहां पर cosec x into cotx का इंटीग्रेशन माइनस cosec x प्लस सी आपके पास आ गया. ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किए, तो प्रेजेंटली इतने ही फॉर्मूले काफी हैं. आगे जब जरूरत पड़ती रहेगी वैसे वैसे फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे और प्रॉब्लम भी उन पर बेस्ड डिस्कस हम आपके साथ कर लेंगे जी, करेक्ट. आइए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पहले हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ. तो स्टार्ट विद x टू द पावर 99. अब x टू द पावर n वाला रूल लगाइए, वो क्या कहेगा जी, वो आपको कहेगा x टू द पावर 99 प्लस 1 और अपॉन में भी उतना ही 99 प्लस 1, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c, यानी आपके पास आ गया x टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस सम कांस्टेंट. सिंपल, बहुत आसान बात. अब आइए इसको देखते हैं, x टू द पावर नेगेटिव 7 अपॉन 2 कर लीजिए इसको, करेक्ट. अब इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है, x टू द पावर नेगेटिव 7 अपॉन 2 प्लस 1 और अपॉन में भी नेगेटिव 7 अपॉन 2 प्लस 1, यानी आपके पास आ गया x टू द पावर नेगेटिव 5 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई नेगेटिव 5 अपॉन 2 प्लस सी, प्लस सी भी लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पर, प्लस सी हेयर इक्वल टू दिस. तो कितना आ गया जी आपके पास, आपके पास आ गया नेगेटिव 2 अपॉन 5, इसे भी अपॉन में ले आइए, x टू द पावर 5 अपॉन 2 एंड प्लस कांस्टेंट c, इज इट फाइन, राइट. और आगे बढ़ते हैं जी, एक और क्वेश्चन है मेरे सामने, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 1/3, यहां छोटा सा 3 लिखा था इसका मतलब 1/3 है जी, तो लिख लेते हैं पहले इसको, t टू द पावर 1/3 dt, इंटीग्रेशन करेंगे तो t टू द पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन में भी 1/3 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, तो आपके पास आ गया t टू द पावर 4/3 और अपॉन में भी आएगा 4/3 क्योंकि यहां इस तरह से बन जाएगा प्लस कांस्टेंट. सिंपल, बहुत आसान, सिंपल वे में हमने इसको समझा. ठीक है, धीरे धीरे डिफिकल्ट की तरफ बढ़ेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाना है जी, राइट. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहां थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री मेरे सामने है, तीन क्वेश्चंस हैं मेरे सामने. सबसे पहले क्वेश्चन में cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री भी मुझे आनी चाहिए. तो ये cos x है मेरे पास और 1 माइनस cos स्क्वायर x अगर आपको याद हो तो वो sin स्क्वायर x के इक्विवेलेंट होता, इट मीन हमने 1 माइनस cos स्क्वायर x के प्लेस पर sin स्क्वायर x कर लिया. अब सोचें कैसे इसको थोड़ा सा और आसान बनाएं हम, तो हमने क्या किया,
वन अपॉन साइन एक्स अलग कर लिया और साथ में कोस एक्स अपॉन साइन एक्स हमने अलग कर ली। अब क्या बन गया जी, कोस अपॉन साइन तो कोट बन गया, वन अपॉन साइन कोसेक बन गया, तो आपके पास ये आ गया कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक है, अभी देखिए जी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूले डिस्कस किए, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स प्लस सी आपके पास आएगा, तो आपने यहां पर कोसेक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन लिख दिया जी, माइनस कोसेक एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। इज इट फाइन? राइट। अब आइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें हमें क्या दिखता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अगर आपको याद हो तो इस वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को तो हम कोस एक्स कहते थे, कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता था। लिखता हूं मैं, देखिए फॉर्मूला, फॉर्मूले को क्लियर करते हैं हम आपके सामने। हमारे पास कोस टू थीटा जो होता है वो होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर यहां तो थीटा बाई टू है, ये एक्स बाई टू है, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर, या थीटा की जगह अगर आप एक्स बाई टू लिख दें और उधर भी थीटा की जगह एक्स बाई टू कर दें तो कोस एक्स नहीं बन जाएगा ये। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू के प्लेस पर क्या लिख दिया, कोस एक्स लिख दिया जी। अब कोस एक्स का इंटीग्रेशन तो मुझे आता है जी, कोस एक्स का इंटीग्रेशन तो होता है जी साइन एक्स प्लस सी। लो जी रिजल्ट आ गया। तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा आराम से करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जी आपको। और देखिए जी, और क्या है, थ्री की पावर भी एक्स है, ई की पावर भी एक्स है। अगर मैं थ्री ई पूरे की पावर एक्स कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कुछ इस टाइप से हो गया, ए की पावर एक्स, क्योंकि ये थ्री और ई ये दोनों कांस्टेंट है, तो ए की पावर एक्स टाइप हो गया आपके पास। और इस ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए। तो इंटीग्रेशन आपके पास आया थ्री ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ थ्री ई और प्लस सम कांस्टेंट। राइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। एक क्वेश्चन ये और है मेरे सामने, इसमें क्या दिखता है आपको, इसमें अब की बार कुछ ज्यादा फंक्शन हो गए, कोई बात नहीं, इन्हें भी देखिए हम सेपरेट सेपरेट करके किस तरह से लिखते हैं। देखिए थ्री जो कांस्टेंट है, किसी वेरिएबल के साथ मल्टीपल है, उस कांस्टेंट को सेपरेट कर लीजिए, x टू द पावर 5 dx माइनस 7 साइन x dx प्लस 2 dx। सिंपल, या सिंपल dx भी लिख सकते थे आप इसको, बस अब तो आसान हो गया जी। तो ये आ गया मेरे पास 3, x के पावर 5 का इंटीग्रेशन करेंगे, x के पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 7 साइन x का इंटीग्रेशन याद कीजिए, माइनस कोस एक्स प्लस टू, बचा कौन, डीएक्स, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस सम कांस्टेंट सी, इसे कैंसिल कर दीजिए, थ्री टू एक्स टू द पावर सिक्स डिवाइडेड बाय टू प्लस सेवन कोस एक्स प्लस टू एक्स प्लस कांस्टेंट सी आपके पास आ जाएगा जी। करेक्ट, आइए अब दूसरे पार्ट पर हम आते हैं जी। अब इस दूसरे पार्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है, पहले सोच लेते हैं हमें क्या करना है। ये दो ब्रैकेट्स मल्टीपल हैं, फिर उसके बाद अपॉन में अंडर रूट टी है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को ऊपर वालों को मल्टीपल कर लेते हैं, खोल लेते हैं जी। तो जब हम इनको खोल लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा जी, देखिए ये मेरे पास आ जाएगा 6, फिर आएगा जी माइनस 2t स्क्वायर, माइनस 2t स्क्वायर है यार, इसका इससे करेंगे तो प्लस 15t
और फिर आएगा जी 15t और ये आ जाएगा माइनस का 5t क्यूब और डिवाइडेड बाय क्या है जी हमारे पास रूट टी। रूट टी का मतलब होता है पावर हाफ, इसको आप पावर हाफ लिख दीजिए जी 1/2 और dt। अब इस पावर हाफ को यानी आधा पावर समझ करके चलिए आप, यहां नीचे सबके अपॉन में डाल दीजिए जैसे, बड़े ध्यान से करेंगे सोच समझ करके। देखिए जी 6 के अपॉन में पावर हाफ कुछ इस टाइप से लिखेंगे, माइनस 2 टी स्क्वायर के अपॉन में पावर टी की हाफ प्लस 15 टी के अपॉन में टी की पावर हाफ माइनस 5 टी क्यूब के अपॉन में टी की पावर हाफ और ये डी टी सबके साथ। इज इट क्लियर? चलिए जी अब इसको आसान बनाते हैं। लो जी 6 को तो लिखो आउटसाइड, टी की पावर हाफ को ले जाओ ऊपर, टी की पावर नेगेटिव हाफ आ जाएगी डी टी, अलग अलग कर रहे हैं जी इसको, माइनस 2 यहां पर देखिए टी की पावर 2 है नीचे हाफ है, यानी ऊपर 2 पावर है नीचे आधा पावर है, ये आधा पावर जब उसमें से माइनस होगी तो टी की पावर डेढ़ रह जाएगी, 3/2 पावर रह जाएगी। तो यानी अगर आप 2 माइनस 1/2 करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 3/2। तो ये और ये, क्योंकि टी की पावर जो हाफ है ये ऊपर जाकर के नेगेटिव होगा, तो टी की पावर ये 3/2 आ गया जी आपके पास डी टी प्लस 15, ये टी की पावर ऊपर 1 नीचे हाफ, ये 1 में से हाफ माइनस होगा तो ऊपर आपके पास टी की पावर हाफ रह जाएगा डी टी माइनस 5 टी का क्यूब, 3 पावर में से आधा पावर 2.5 पावर रह गए, यानी टी की पावर 5/2 डी टी। बस अब तो आसान हो गया जी। अब देखिए इसके इंटीग्रेशन क्या कर रहे हैं, ये मेरे पास आ गया 6, टी की पावर हाफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आएगा टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1 और इतना ही अपॉन में माइनस हाफ प्लस 1, देन माइनस 2 टी की पावर 3/2 प्लस 1 और अपॉन में भी 3/2 प्लस 1 प्लस 15 टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में भी 1/2 प्लस 1 और फाइनली लास्ट में माइनस 15 टी की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन में भी 5/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, राइट। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं और सिंपलीफाई करने के बाद जो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसको लिखते हैं जी, तो क्या होगा वो रिजल्ट उसको डिस्कस करते हैं, राइट। तो फाइनली मेरे पास जो रिजल्ट आ जा रहा है वो आता है जी 12 रूट टी यानी टी की पावर हाफ प्लस 10 टी टू द पावर 3/2 माइनस 4 अपॉन 5 टी की पावर 5/2 माइनस 10 अपॉन 7 टी की पावर 7/2 और प्लस कांस्टेंट। तो दिस इज द रिजल्ट, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया जी इस प्रॉब्लम का जी, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन आप इसको कीजिए तो माइनस 1/2 और प्लस 1 प्लस हाफ आ जाएगा, ये 2 मल्टीपल हो जाएगा 12 बन जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन हमने इसका कर लिया जी, करेक्ट। आइए एक क्वेश्चन और है अभी हमारे पास, यह है जी रूट एक्स माइनस 1/x² होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन मुझको करना है जी। अब इसका इंटीग्रेशन जब मुझे करना है
तो उसके लिए यहाँ dx होना चाहिए था। हम सबसे पहले इसे ओपन करते हैं जी, इस ब्रैकेट को, इस होल स्क्वायर को हम ओपन करेंगे, और इस होल स्क्वायर को जब हम ओपन करेंगे तो रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स आ जाएगा, प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स की पावर वन अपॉन एक्स की पावर फोर, एंड देन माइनस टू टाइम्स रूट एक्स इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, करेक्ट। तो ये मेरे पास आ गया एक्स डी एक्स सेपरेट, प्लस एक्स टू द पावर माइनस फोर डी एक्स ये सेपरेट, माइनस टू। यहां सोचिए, देखिए एक्स का पावर हाफ है, ये ऊपर, नीचे पावर टू है, तो एक्स का पावर हाफ और उसमें से माइनस टू, ये डी एक्स सेपरेट। तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर टू, एक्स के पावर माइनस फोर प्लस वन अपॉन में भी माइनस फोर प्लस वन, माइनस टू यहाँ कितना रह गया जी, माइनस थ्री बाई टू, एक्स की पावर माइनस थ्री बाई टू डी एक्स, चलो जी प्लस सी भी लगा लेते हैं। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर ओवर टू प्लस एक्स टू द पावर माइनस थ्री ओवर माइनस थ्री माइनस टू। अब इसका करेंगे तो एक्स टू द पावर माइनस थ्री अपॉन टू प्लस वन, और अपॉन में भी आ जाएगा माइनस थ्री अपॉन टू प्लस वन, और प्लस सम कांस्टेंट सी जी, राइट। ये था जी मेरे पास। तो फाइनली हमारे पास इसका रिजल्ट आ रहा है एक्स स्क्वायर ओवर टू नेगेटिव वन ओवर थ्री अपॉन में एक्स क्यूब एंड माइनस टू हेयर, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस टू, और ये कितना बचेगा जी, माइनस थ्री बाई टू प्लस वन, अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो माइनस थ्री प्लस टू अपॉन टू, तो माइनस वन अपॉन टू बच गया ना ये, तो ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन टू। तो ऊपर आया एक्स की पावर माइनस वन अपॉन टू, नीचे भी आया माइनस वन अपॉन टू प्लस कॉन्स्टेंट, जो कि कितना बना देगा जी इसको, फोर बना देगा, माइनस और माइनस प्लस करके फोर बना देगा और रूट एक्स आ जाएगा, करेक्ट। तो फाइनली रिजल्ट क्या लिखे जी, फाइनली हमारे पास इसका जो रिजल्ट आ गया दैट इज एक्स स्क्वायर ओवर टू माइनस वन ओवर थ्री अपॉन में एक्स क्यूब और प्लस फोर अपॉन रूट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, इज इट फाइन, राइट। तो यहां पर हमने क्या सीखा इसमें, इसमें हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल से स्टार्ट किया, और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की डेफिनेशन को हमने समझा, जिसे हमने एंटी डेरिवेटिव बोला। उसके आगे हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल पर अभी स्टार्टिंग में कुछ फार्मूले हमने सीखे, क्या क्या होते हैं, वो स्टैंडर्ड फार्मूले हमारे सामने आए, और नेक्स्ट हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की थोड़ी आसान आसान जी, ठीक है। और फाइनली ये क्वेश्चन मेरे पास यही रिजल्ट आया जी। थैंक यू वेरी मच।